ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज सुबह करीब 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। 24 दिसंबर को उन्हें भर्ती करवाया गया था, एयरलिफ्ट कर जम्मू कश्मीर से उनको लेकर आया गया था दिल्ली के एम्स अस्पताल में और वहां पर भर्ती करवाया गया था। सीने में दर्द की शुरूआती शिकायत थी, लेकिन उसके बाद उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी और अब चारों ओर से संवेदनाओं का दौर, शोक संदेश लगातार पहुंच रहे हैं। अजय जंडाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से जो शोक संवेदनाएं आ रही हैं, सब लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक महान राजनेता थे, भारतीय राजनीति में तो जो नुकसान पहुंचा वो पहुंचा, लेकिन जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान पहुंचा है आज। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, लगातार हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बीजेपी के लोगों का है, तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्तिगत तौर पे जो उनके रिलेशन है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ अच्छे रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस जब कांग्रेस और पीडीपी का कोलिशन था 2002 से 2005 तक वो जो है चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के। अब बीजेपी के साथ जो है गठबंधन उनका चल रहा था और 1 मार्च 2015 को चीफ मिनिस्टर बने। बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बेशक अपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बेशक थे, मगर उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनसे मुलाकात के लिए, उनकी हालचाल पूछने के लिए एम्स पहुंचे थे कुछ दिन पहले। अगर बात की जाए कांग्रेस के नेताओं की, तो कांग्रेस के नेताओं से उनके साथ पहले से ही बड़े बेहतरीन रिलेशन रहे हैं, क्योंकि वो खुद कांग्रेस में 10 साल के लिए रह चुके हैं, होम मिनिस्टर वो भारत के रह चुके हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके जो है रिश्ते खराब नहीं थे, किसी भी राजनेता के साथ उनकी जो है वो अच्छे रिलेशन थे। और अहम चीज ये है कि कभी भी उनके नेचर की अगर बात की जाए, बींग ह्यूमन बींग भी वो जो है कभी भी वो उनके तीखी प्रक्रिया जो है वो टिप्पणियां कभी नहीं होती थी, बड़े सॉफ्ट मुफ्ती मोहम्मद माने जाते हैं। हालांकि कई जब वो राजनीति में आए, जब उनने पीडीपी की फॉर्मेशन, चलिए आ जाए आपके पास हम लौट कर आएंगे। बिल्कुल आप ठीक करें, काफी मृदुभाषी सॉफ्ट स्पीकिंग राजनेता रहे हैं। कभी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात करना उनको पसंद नहीं था, बड़े सबसे प्रेम से मिलते जुलते थे, लेकिन फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं और यही वजह है कि उन्हें लोग अब याद कर रहे हैं, एक महान राजनेता गए। ये बात लगातार चारों ओर से जो शोक संदेश आ रहे हैं उसमें ये बात कही जा रही है। इस बड़ी खबर के साथ जल्द वापस उठेंगे, फिलहाल रुकेंगे। इसके बाद इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री पीएमओ में वो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र जी, एक महान राजनेता, भारतीय राजनीति में नुकसान जो पहुंचा वो पहुंचा है, लेकिन जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है आज। जितेंद्र जी आवाज आ रही है आप पर? हाँ जी। जितेंद्र जी, भारतीय राजनीति में जो नुकसान पहुंचा वो पहुंचा मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए आज सबसे बड़ा नुकसान भरा दिन रहा, ये बहुत बुरी खबर, सबसे बुरी खबर जम्मू कश्मीर के लिए। निश्चय ही मैं ये कहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद जो पहली पीढ़ी थी राजनीतिज्ञों की और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नेताओं की, उनमें से एक थे मुफ्ती साहब। और न केवल प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में, केंद्र में भी उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही और बड़े ही महत्वपूर्ण समय में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। 80s के दशक में वो केंद्र में मंत्री भी रहे और उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से आरंभ हुआ था जी। और प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित करना और उसे मुख्य धारा के साथ उसका रिश्ता और मजबूत करने में भी उन्होंने भूमिका निभाई, कांग्रेस के पीसीसीआई प्रेसिडेंट जब रहे कई वर्षों तक और आज तक भी। और अब थोड़े समय से उनमें एक अक्सर उनसे मिलना होता था, शायद मैं उन लोगों में से हूं जिनकी आखिरी बातचीत उनके साथ रही, उसके बाद तो वो लगभग कोमा की स्थिति में चले गए कुछ दिन से। अभी भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश विकास यात्रा पर निकल चकल चला है, उनकी बड़ी ये इच्छा थी और बहुत इस बात का वो उनको ये था कि जम्मू कश्मीर भी उस विकास यात्रा का हिस्सा बन करके इसका पूरा लाभ उठा सके। निश्चय ही एक बड़ी क्षति पहुंची है।
चलिए जितेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन, सुबह करीब 8 बजे उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। उनका निधन, 24 दिसंबर को उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। चारों ओर से शोक संदेश आ रहे हैं।